नमस्कार। जिंदगी में आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है और आत्मनिर्भरता आती है जब हमारे फैसले सही और सटीक होते हैं। तो आपके तारे आपके फैसलों को सही धार देने का, सही दिशा देने का काम करता है। तो आइए आपके आज के दिन को भी सही रुख देते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आगे बढ़े उससे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। आज 5 अक्टूबर 2018 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। अश्विन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। एकादशी तिथि है शाम 7:18 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है शाम 7:02 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे शाम 7:02 पर। आज इंदिरा एकादशी है, शुक्र वक्री हो रहे हैं 12:34 पर और आज एकादशी का श्राद्ध। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ करते हैं तैयारी आज के दिन की। और तैयारी तो आप सबकी होगी ही, लेकिन एक खास राशि के लिए आखिर तक हम कुछ बचा के रखते हैं, इसलिए आपको रहना है लगातार हमारे साथ। मेष और वृषभ, आपके दिन को समझते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के लिए तकरार की स्थिति बन सकती है क्योंकि लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, जबकि आपने सबके लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। इसी वजह से आपके मन का असंतोष भी साथ ही साथ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने कामकाज को तवज्जो देने के साथ साथ अपनी चुनौतियों को संभालना होगा। काम के क्षेत्र में भी लोगों से तालमेल बनाए रखने की कोशिश करनी होगी ताकि किसी भी छोटी बात का समय रहते सदुपयोग कर लिया जाए, उसे संभाल लिया जाए। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचें कि आपने अपनों का ख्याल रखकर अपना कर्तव्य निभा लिया, क्योंकि ज़िंदगी उससे भी कहीं बढ़कर है। अपनों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को भी सामने रखना पड़ेगा ताकि आपकी ओर से कोई कमी ना रहे। वृषभ राशि वालों की कोशिशें सराहनीय हैं क्योंकि आप किसी प्यार के रिश्ते में समर्पित। घर परिवार में भी आपके लिए खुशियों का माहौल बना हुआ है। सब कुछ ठीक होते हुए भी किसी न किसी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत के बलबूते पर जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर लें, क्योंकि किसी और से कोई बड़ी उम्मीद लगाने से शायद कोई कमी रह जाए। समय इस वजह से अच्छा है क्योंकि आपकी अपनी कोशिशें ही कामयाब हो सकती हैं। क्या न करें समय में? सिर्फ रिश्तों के प्रति ध्यान देने के प्रयास में काम काज को नजरअंदाज न करें। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपको अपनी लगन को बढ़ाना होगा ताकि रोजमर्रा के दबाव आपके ऊपर हावी ना होते चले जाए। तो बस अपनी लगन को बढ़ा दीजिए, कोई दबाव आप पर हावी नहीं हो पाएगा। सवाल लेते हैं सर। सवाल हमारे सामने है नवीन मिश्रा का, 30/8/1989, 2:05 AM, मोतिहारी बिहार। ये परिवार ने सवाल पूछा है इनके लिए। अभी उनके पास नौकरी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं, तो क्या करें, क्या सलाह है इनके लिए? नवीन, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की 2019 तक। इस समय आपके पास जॉब नहीं है, ये परेशानी की बात, लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में आपको जॉब मिल सकती है। तो अब आगे बढ़ के अपने कैरियर को बनाना है। ये जो अपने मन में किसी भी तरह का आलस बिठा लेना, ये ठीक नहीं होता। बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा और इस समय कुछ न कुछ नया सीखने की भी गुंजाइश बनी रहेगी। अक्टूबर नवंबर 2018 में ही उनकी नौकरी लगने वाली है, यानी वो मुश्किल समय तो बीत रहा है। सलाह क्या देनी है उन्हें? काम से जी नहीं चुराना है, मन लगाकर काम करना है, आलस को त्याग देना है। समझाइएगा, ये जरूरी है उनके लिए। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए क्या जरूरी है, क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति संभली हुई है, लेकिन बच के चलने की जरूरत है। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए आपकी तवज्जो हर तरह से आपका साथ निभाएगी। अपने नजरिए को सुधारने और संवारने का समय है ये। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह की गलत फहमी से बचना होगा, खासकर सेहत को लेकर पूरी बात को भली जरूरत पड़ेगी। जिंदगी के इम्तिहान में अव्वल आने के लिए तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? पैसे की स्थिति को लेकर किसी भी तरह का खिलवाड़ ना करें, पर किसी भी ऐसे विचार को बढ़ावा ना दें जो आपका पैसा कहीं फंसाता चला जाए। कर्क राशि वालों का भरोसा इस समय बहुत काम आएगा और उसी के चलते आपकी मेहनत उभर कर आएगी जो आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाए। अपनी मेहनत और अपने भरोसे के दम पर आपको हर तरह की सफलता या तरक्की मिल सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का बेहतरीन समय है। आपकी कोशिशों से
रिश्तों में भी हर तरह की अच्छाई बनी रहेगी, पर अपने मन में उमड़ते हुए किसी भी तरह के तूफान को हटाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, कोई ऐसी बात ना सोचते चले जाएं जो आपके भरोसे को कम कर दे। इसी वजह से रिश्तों के प्रति भी कोई लापरवाही ना दिखाएं, अपने चाहने वालों का ख्याल रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। जो आपके चाहने वाले हैं उनका आप भी पूरा ख्याल रखिए, उसमें कोई कमी मत आने दीजिएगा। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए क्या कहता है आज का दिन, क्या करें, कैसे क्या करें और क्या ना करें, ये सब नोट कीजिए, अमल कीजिए। सिंह राशि वालों के कामकाज की स्थिति ठीक है और आमदनी के सुंदर साधन बने हुए हैं, पर आपने अपने मन में बहुत सारी चिंताएं बिठा रखी हैं, जिसका कुछ ना कुछ असर आपके पारिवारिक रिश्तों पर भी आ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में, किसी भी बात को समझने में कमी रह सकती है क्योंकि आपने फासले बना रखे हैं। इन फासलों को दूर कर लें ताकि किसी भी तरह के तकरार की स्थिति से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में, पहले से कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपको जिंदगी में अकेला कर दे। जिंदगी की खुशियां और जिंदगी का तालमेल अपनों से जुड़कर ही बनता है, इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपका भरोसा भी बना हुआ है, पर आप लोगों की बात को फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। ये हो सकता है आप सही हो, फिर भी सबकी बात सुन ले। क्या करना चाहिए समय में, रिश्तों से जुड़ा तनाव आपकी समस्या का कारण बन सकता है, इसलिए काम या पैसे से कहीं ज्यादा रिश्तों की ओर सोचना होगा। आपसी तालमेल से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्या ना करें इस समय में, सिर्फ पैसा कमा लेना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं हो सकता, अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी बहुत जरूरी है। रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, उन्हें संभालने में कोई कमी ना रखें। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उनको बहुत प्यार से संभालना सहेजना पड़ता है, कोशिश कीजिए। सवाल लेते हैं, राजेश का सवाल है 27/1962 3:56 AM देवगढ़ मदरिया राजस्थान। अपना घर कब तक बनेगा, ये इनका सवाल है आपसे। राजेश जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है मंगल की 2018 तक। आपने एक सवाल पूछा है कि आपका अपना घर कब बनेगा। बहुत समय से आपने इसके प्रयास किए हैं, बहुत जूझते रहे हैं और कुछ हुआ नहीं। देखिए, आपकी कुंडली का इशारा भी यही है कि इस विचार को लेकर आपको बहुत ज़्यादा जूझना पड़ सकता है, तो ये आसान नहीं है, इसीलिए शायद इतना समय लग गया और आप अपना घर नहीं बना पाए। फिर भी दिल हारने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा सा समय बनता है जी अक्टूबर नवंबर 2023 में। थोड़ा दूर ज़रूर है लेकिन थोड़ा संयम रखें, अच्छा सा घर बन जाएगा। अक्टूबर नवंबर 2023 में आपका अपना घर बन सकता है। देखिए, थोड़ा समय तो लग रहा है लेकिन आपका सुंदर आशियाना बनेगा। थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, सब बहुत अच्छा होगा। तुला और वृश्चिक राशि, देखिए सब अच्छा तो होगा लेकिन तब अच्छा होगा जब हम उस अच्छे के लिए तैयारी कर पाए। तो आपकी तैयारी ही तो आपको आपके तारे कराता है। हम आपको बताएंगे कि आप आज क्या करें क्या ना करें ताकि कुछ भी गड़बड़ ना होने पाए आज के दिन। तुला राशि वाले ये समझ लें कि जब सब कुछ ठीक ठाक चले तो भी गलती की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको भी हर छोटी बात को इस रूप से संभालना होगा कि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में, पारिवारिक खुशियां बनी हुई हैं पर किसी भी तरह की अविश्वास की भावना से बचना होगा। भरोसा करेंगे तो किसी का दिल भी जीतना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में, कामकाज के क्षेत्र में ऐसा ना सोचें कि आप ही सही हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से आप किसी न किसी को नाराज करते चले जाएंगे और इस समय यही ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय और हर तरह की सफलता की संभावनाएं बनी हुई। थोड़ी सी कोशिश आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और आपको किसी चीज से अचानक लाभ भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी कोशिशों को निरंतर बनाए रखने की जरूरत है। अपने ही प्रयास को शक की नजर से देखने से नुकसान हो सकता है, इसलिए भी अपनी परिस्थितियों को संभाले रखने का समय। क्या ना करें इस समय में, सिर्फ तकदीर के भरोसे ना चलें, उसमें अपनी मेहनत को भी जोड़ दें। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद पैसे के प्रति लापरवाह होना ठीक नहीं। सब कुछ अच्छा है लेकिन पैसे को लेकर लापरवाह हो रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। धनु मकर राशि, क्या है आपके लिए आज के दिन खास, आइए जानते हैं ज्योतिष गुरु से। धनु राशि वालों को अपनी कामकाज की स्थिति से सुकून मिलेगा और आप अपनी जिंदगी के नजरिए को बदल पाएंगे, पर मन फिर भी थोड़ा सा उचाट है क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत बहुत ज्यादा है। क्या करना चाहिए समय में, आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा सोचने से बचना होगा क्योंकि हालात
खुद ब खुद आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे। आप अपने कर्तव्य को निभाएं, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें, समय में अपनी भावुकता को बढ़ाकर आप अपनी अच्छी भली स्थिति में कमियां ना ढूंढें। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया है, ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इस बात को भी कम ना समझें। मकर राशि वाले लोगों की किसी भी बात में अगर अच्छाई ढूंढेंगे तो अच्छाई जरूर नजर आएगी। ऐसे में जिंदगी की चुनौतियां बनी रहना स्वाभाविक सी बात, पर अगर किसी भी चीज को लेकर आप पहले से सतर्क हो तो उसे संभालना भी उतना ही आसान हो जाता। क्या करना चाहिए समय में, जितना आप लोगों को समझेंगे और उनका साथ निभाएंगे, लोग भी उसी रूप से आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ये इस समय की अच्छाई है जो आपसी तालमेल को आपके लिए बहुत बेहतर कर सकती है। क्या ना करें समय में, अपने हालात को किसी भी वजह से बिगाड़े नहीं। अगर लोग अपने विचार ज्यादा रखना चाह रहे हैं तो आप अपने कदम पीछे ना हटाएं, बल्कि उनकी बात को भी समझने की कोशिश कर लें। कुंभ और मीन राशियों के बारे में और आखिर में एक खास राशि के लिए कुछ खास। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आएगा आपके सामने और साथ ही आएंगे कुछ अचूक टिप्स और आप दोनों के राशिफल के बाद एक खास राशि के लिए कुछ खास आएगा। अभी कुंभ और मीन आपकी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों का स्वभाव आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसलिए लोगों की बात को सुनना भी होगा और उसे मान लेने की कोशिश भी करनी होगी। ये चीज हर तरह के रिश्ते पर लागू है। क्या करना चाहिए समय में, काम या कारोबार में बचाव का माहौल बनाना होगा, किसी भी तरह के खतरे से भी बचना होगा, किसी भी मुश्किल समय में ये बहुत जरूरी होता है। क्या ना करें समय में, अपनी बात को मनवाते चले जाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी और उसी गलती का असर किसी प्यार के रिश्ते पर पड़ जाए तो ये ठीक नहीं होगा। मीन राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत ज्यादा समर्पित है, पर घर परिवार में आपके अपनों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए समय, रिश्तों को संभाल लें, बाकी बहुत सारी चीजें खुद ब खुद समझती चली जाएंगी। पैसे की स्थिति आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है, इसलिए बहुत कुछ ठीक ही रहेगा। क्या ना करें समय में, अपनी मेहनत को अपने काम में इस रूप से लगाएं जिससे पूरा फायदा मिले, क्योंकि भटकते हुए विचारों से कुछ भी करने से कुछ हासिल नहीं होता। तो विचारों का भटकाव आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, किसी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। फोकस कीजिए जिंदगी पर। तो ये तो बात हुई मेष से मीन तक आप सबके राशिफल की, और अब होने जा रही है बात एक खास राशि की। तो आइए जानते हैं कौन सी है आज की वो भाग्यशाली राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि रिश्तों से जुड़ी इच्छाओं को थाम लें और कामकाज में अपने बढ़ते हुए किसी कदम को रोक लें। किसी भी मुश्किल भरे दौर में संभल कर चलने से ही फायदा होता है। तो फिलहाल इजाजत दीजिए और याद रखिएगा कि आत्मनिर्भरता से ही आत्मसम्मान आता है। तो कैसे आप जीवन में आत्मनिर्भर बने, दूसरों के लिए मददगार बने, अपने लिए सक्षम बने, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। अगर कोई समस्या, कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, aapketare@aajtak.com ये हमारा ईमेल आईडी है, सवाल भेजिए, और वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।